फ्रेंड्स वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों आप सभी का स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में, ठीक है, जो कि 20 में होने वाला था बट कोरोना के चलते कब हुआ, 21 में हुआ, ठीक है। तो चलिए ये मतलब कौन से क्रम का टोक्यो ओलंपिक है तो ये 32वां नंबर का ओलंपिक है, ठीक है। तो चलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसमें कौन जीता, कौन सा देश कितने रैंक पर रहा, ठीक है, और कौन कौन से खिलाड़ी इसमें भाग लिए, कितने खेल हुए, सब इसमें सारे के सारे पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला आपका हो गया, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो टोक्यो जापान में हुआ था। कब हुआ था, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक हुआ था, ठीक है। और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो मिराई तुवा शुभंकर है। आदर्श वाक्य क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशन है, ठीक है। इसमें कुल कितने देश ने भाग लिया था, 206 देश ने। इसमें कुल कितने खेल थे, 33। कुल कितने मैच हुए, 339। भारतीय कितने एथलीट ने भाग लिए, 127, ठीक है। भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या है, लक्ष्य तेरे सामने, ठीक है। अगला है आपका, भारत का ओलंपिक चेयर संघ हिंदुस्तानी वे, भारत के ओलंपिक चेयर संघ कौन है, हिंदुस्तानी वे, और इसके सिंगर कौन है, ए.आर. रहमान, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में, यानी टोक्यो ओलंपिक का जब उद्घाटन हुआ उसके समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन थे, तो मैरी कॉम मुक्केबाज, ठीक है, और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, ठीक है। अगला है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो बजरंग पुनिया, जो कि पहलवान है, ठीक है। क्या है, पहलवान है, यहाँ पर गलत लिखा है, पहलवान लिखा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक का मुख्य प्रायोजक किसको बनाया गया, MPL को, ठीक है। अगला है, भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया, INOX का, ठीक है। अगला है, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने, कौन बने, दीपक काबरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। अगला है, क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर कौन है, तो भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, तलवारबाजी से, ठीक है। अगला है आपका, कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन है, उत्तरी कोरिया। आगे देखिए, ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन कौन है, तो नेर्था कुमानन। नेक्स्ट है, कुश्ती में अंपायरिंग करने वाला एकमात्र भारतीय कौन है, अशोक कुमार। क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन है, तो पहली भारतीय महिला गोल्फर अदिति अशोक है। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन है, तो साजन प्रकाश है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखिए दोस्तों, प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर अवश्य करें, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जा सकने वाला प्रश्न है, ठीक है, जो कि खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने का प्रतिबंध किस देश ने लगाया, रोमानिया ने वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला देखिए, ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो मनप्रीत सिंह, ठीक है। अगला है, ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन थी, तो रानी रामपाल। नेक्स्ट है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है, तो लॉरे हवर्ड, ठीक है। अगला है, ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो यांग कियान, जो कि चीन के रहने वाले हैं और शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पदक किसने जीता,
तो मीराबाई चानू रजत यानी सिल्वर पदक भारोत्तोलन और 49 kg के कैटेगरी में। भारोत्तोलन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेट लिफ्टिंग, ठीक है। अगला है मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली है, तो मीराबाई चानू रहने वाली है मणिपुर की। कहाँ? मणिपुर की। अगला देखिए, नेक्स्ट है भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता, रवि कुमार दहिया ने कुश्ती में और कितने केजी में, 57 kg के वर्ग में। भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो भारत ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है और जिससे किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने, किस खेल में, तो भाला फेंक में, कितना फेंका, 87.58 मीटर, ठीक है। अगला है भारत के लिए कांस्य पदक, भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता, लवलीना बरगोहन मुक्केबाजी में, ठीक है, 64 से 69 kg कैटेगरी में, और पीवी सिद्धू बैडमिंटन में, बजरंग पुनिया कुश्ती में 65 kg कैटेगरी में। पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीती, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं गोल्ड में एक और रजत यानी सिल्वर में दो और कांस्य पदक, ठीक है। कांस्य पदक में कितना, कांस्य में 4, इसको याद कर सकते हैं 1, 2 का 4, यानी टोटल कितना हो गया, 7, ठीक है। आगे देखिए, सबसे कम उम्र की चैंपियन मोमिजी निशिया, सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बनी, मोमिजी निशिया, कितने वर्ष की है, ठीक है। तो ये तो मुझे भी मालूम नहीं, ठीक है, इसको सर्च कर लीजिएगा। जापान की स्केट बोर्डिंग में है, ठीक है। सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला जो कि एमा मैकनॉन है, ऑस्ट्रेलिया के तैराक, 7 बार जीत चुकी है। सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष कालेब ड्रेसल, अमेरिकी तैराक है ये। प्रथम स्थान यानी टोक्यो ओलंपिक में प्रथम स्थान पर कौन रहा, अमेरिका रहा। 39 स्वर्ण पदक जीता, 41 सिल्वर और 33 कांस्य, कुल 113 जीता, ठीक है। अगला है दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरे और तीसरे स्थान पर दूसरे पर चीन 88 पदक के साथ और जापान 58 पदक के साथ। भारत का स्थान कौन सा रहा, 48वां, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य, यानी 1, 2 का 4, कुल 7। 33वां ओलंपिक जब होगा 2024 में तो कहाँ आयोजन होगा इसका, तो पेरिस फ्रांस में, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पैरा ओलंपिक के साथ और मोस्ट अवार्डेड अवार्ड जो मिला है उसके साथ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी कर दें, ठीक है। तो चलिए बाय।